सो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने टेक चैनल पब्लिक पोस्टमैन में, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आए दिन आपको पता ही है कि नए नए ऐप्स आते हैं मार्केट में, नए नए जो एंड्रॉयड ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, और जो है आम पब्लिक की सुविधा को देखते हुए जो है हर गवर्नमेंट कंपनियां या फिर प्राइवेट कंपनियां, बैंक सब जो है अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर देती हैं ताकि वो सर्विसेज लोगों तक आपके जो है फिंगर टिप तक पहुंच जाए, ताकि आप अपने जो है स्मार्टफोन से ही सारी चीज़ें घर बैठे कर सको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपको पता ही है कि दिल्ली में एक एप्लीकेशन है वन दिल्ली के नाम से है, जो कि दोस्तों दिल्ली मेट्रो और DTC बसों के लिए जो है बनाया गया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों, उसमें अब अपडेट कर दिया गया है कि पहले उससे आप टिकट परचेज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ से टिकट परचेज़ और सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लाइव लोकेशन, लाइव डेस्टिनेशन, सारी चीज़ें, रूट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। मोबाइल के स्क्रीन में आप देखेंगे सारा, तो मैं ऐप ओपन करूँगा और सारा आपको दिखाता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, फटाफट से तो नीचे दिए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी आएगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो आइए ऐप को ओपन करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों वन दिल्ली। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर ये वन दिल्ली ऐप ये मैंने डाला हुआ है, इस तरह का दिखेगा, दिल्ली गवर्नमेंट का ऐप है ये ऑफिशियली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे देगा, सबसे नीचे देखेंगे कि आपके नियर बाई जो भी बस स्टैंड होंगे आसपास में वो दिखेंगे, यानी कि 2-4 किलोमीटर की रेंज में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं उसी के सामने बॉक्स भी बने हुए आएंगे, व्यू बसेज यानी कि कौन कौन से बसेज यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर व्यू बसेज पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा एक आपके सामने में। तो यहाँ देख सकते हैं कि बस कौन कौन सी यहाँ पर जो है कमिंग दिखा रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे नंबर भी दिखा रहे हैं इसके। और भी नीचे जाएंगे तो और देख सकते हैं कितने सारे यहाँ बसों के रूट आपको यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि इस स्टॉपेज पे ये जो भी बसें आ रही हैं या फिर यहाँ से जा रही होंगी या आ रही होंगी, जो भी है। तो अराइवल यहाँ पर दिखा, देख सकते हैं सारी चीज़ें, टाइम और सब कुछ दिखा रहा है कि कितने देर में ये बसें यहाँ से गुजरेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंपल कि आप अभी यहाँ पर हो तो यहाँ पे कौन कौन सी बसें आनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन जो कि इस ऐप को यूज़ करने का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बाय टिकट का ऑप्शन मिलता है, नीचे जाएंगे बॉटम में, बाय टिकट पर जाएंगे तो देख सकते हैं बाय टिकट और बाय डेली पास, यानी कि टिकट तो वन टाइम के लिए हो गया और डेली बस पास वन टाइम लेंगे, लेकिन पूरे दिन आपका जो है काम करेगा बस में। तो बाय टिकट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ QR आ जाएगा, आप बस में दिए हुए QR को स्कैन करें या फिर नंबर एंटर कर दें, जो नंबर वहाँ पर शो करता होगा QR पे, और उसके बाद आप टिकट परचेज़ कर सकते हो। टिकट परचेज़ का ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है चार्टर ऐप का, जो कि दोस्तों मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हो वहाँ पर। और इसी तरह से बाय डेली बस पास सेम चीज़ है, तो यहाँ पर आपका जो है पता ही है कि एक विदाउट नॉन AC का बनता है 40 रुपये का, 50 रुपये का बनता है AC वाला वन डे का, तो वो आप आसानी से यहाँ से बना सकते हो। और यहाँ पर रिसेंट टिकट देखने के लिए है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है दोस्तों, EV स्टेशन, EV यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन और लोकेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं दिल्ली में, जो जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे उसके डिटेल्स भी आपको जो है मैप में मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे है। तो आप इजीली, अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप चार्ज वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप कर सकते हो, ये भी यहाँ पर फीचर दिया गया है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन का, उसी के साथ में एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर सावा डेयरी देख सकते हैं आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ से डेस्टिनेशन आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए यहाँ से जाना है बवाना, ठीक है, बवाना डिपो डाल देते हैं। अब यहाँ पे इसके कौन कौन सी बसें यहाँ से आपको मिल सकती हैं वो यहाँ पर आपको दिखा दिया, 188, 133, 130, और टाइमिंग भी दिखा दिया कि कितने देर लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो ये तो हो गया बस का, यहाँ पे आ गया था कि बस रूट की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, बस नंबर आपका डिटेल में आ जाएगा, जो कि चार्टर में भी इतने सही से डिटेल में नहीं आता है। और इसी के बाद है मेट्रो का, तो यहाँ आप चाहो तो मेट्रो भी डाल सकते हो। रिठाला से मान लो आपको जाना है, मैं डाल देता हूँ इफ़को चौक, अब देखिए उसका रूट भी आपको दिखा देगा यहाँ पर
कि आपने रेड लाइन पकड़ी, रेड लाइन से आपको यहाँ पर जो है येलो लाइन भी डायरेक्ट पकड़ सकते हो, या फिर रेड से आप पिंक चेंज करो, पिंक से येलो चेंज कर लो। तो कई तरह के रूट हैं इसमें, तो आपको जो सूटेबल लगे, आपको मिनिमम इंटरचेंज चाहिए या फिर आप मैक्सिमम इंटरचेंज करके स्टेशन कम जाना चाहते हैं, तो कई ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाता है हेल्प का। हेल्प में आप जा कर के दोस्तों अपने जो है कोई इशू आ रहा हो या कुछ आ रहा हो, कुछ कंप्लेंट देनी हो, तो यहाँ माई कंप्लेंट भी है। माई कंप्लेंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से रेज न्यू कंप्लेंट कर सकते हो आप। कंप्लेंट डालना हो तो इस पर डाल सकते हैं। फैक्स में तो वो उन्होंने जो बताए हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है, रैश ड्राइविंग कुछ भी है जो भी है इसमें से, अगर आप करना चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ मैंडेटेड इट्स ड्राइवर्स टू ड्राइव स्मूथली विद इन अ लिमिटेड स्पीड। ये सारी चीज़ जो है कि इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो फैक्स इन्होंने वो अपने ड्राइवर्स को जो दिए हुए हैं, कंडक्टर को क्या क्या इनको वो होते हैं ऑर्डर्स होते हैं, मार्शल को क्या होते हैं, और बस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में आपको ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके आप कंप्लेन वगैरह डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो और इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे टॉप में राइट साइड में कॉर्नर में सेटिंग का बटन है, सेटिंग के बटन पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना नाम, जेंडर, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह एंटर किया हुआ है। बाकी और कुछ इतना एक्स्ट्रा है नहीं इसके अंदर, जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे है। एक चीज़ जो रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला पेज था बस वाला नियर बाई, तो मैंने आपको ये ओपन करके दिखाई दिया था, बट मान लीजिए हम मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लाइव वाला जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस मैप को भी आप जूम वगैरह करके भी आप देख सकते हो कि अभी जो है यहाँ पर बसें कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिख रही हैं सारी बसें थी, और रेड कलर की ये सारी देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सारी बसें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रेड ग्रीन ये सारी जो बसें खड़ी हैं। तो मैप तो ये तो कहीं और चला गया, ये आपके रूट का नहीं है, आप अपने हिसाब से रूट का आप देख सकते हो, तो वो सिंपल वे वही है। और यहाँ पर होम पेज पे ही आ जाता है कि किसी रूट का आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने डाला 119 डाला, यहाँ से यहाँ जाती है बाजितपुर से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी कि कौन कौन से स्टॉपेज होते हुए जाती है। ये चार्टर ऐप में बड़ा कभी कभी वो दिक्कत देता है, तो इसमें बड़ा इजी है, सारा चीज़ आपको दिखा देगा कौन कौन से रूट से होते हुए जाती है और आपके स्टॉपेज पे ये बस जा रही है कि नहीं जा रही है, वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि उसी बस का यहाँ पर जो है रूट भी आ जाता है, देख सकते हैं ये सारा यहाँ पर ओपन होके आ जाता है, यहाँ सारे जितने भी बस स्टैंड जो भी हैं सारी चीज़ें दिखा देगा कहाँ कहाँ पे इसका बस स्टैंड है, ये बन के आती है पूरी, ठीक है। तो उसी बस का रूट भी यहाँ पर दिखा देगा मैप में भी, और यहाँ पर स्टॉपेज के नाम दिखा देंगे, तो आसानी से यहाँ देख सकते हो कि जहाँ आपको जाना है उस स्टॉपेज पर ये बस जा रही है कि नहीं जा रही है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, वन दिल्ली का मैंने पूरा ट्यूटोरियल जो है आपको समझा दिया है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या इसमें बेनिफिट है, क्या क्या आप इससे जो है टिकट परचेज़ कर सकते हो, पास परचेज़ कर सकते हो, मेट्रो की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रूट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, दिल्ली का लाइव बसेस देख सकते हो, सारी चीज़ें इसमें आपको जो है ऐड कर दी गई हैं, पहले ये नहीं थी इसमें। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। सो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।